जो कन्वेक्स मिरर होगा ना उसकी दो दो ही इमेजेस हमने करी हैं, और दोनों में हमने देखा था जो इमेज है वो छोटी बनती है, बड़ी इमेज कभी नहीं बनती, और उसमें इमेजेस ऑलवेज ही सीधी बनती हैं। तो आपको अगर ये बात ध्यान रहेगा कि कन्वेक्स में ऑलवेज छोटी इमेज बनती है, तो ये बात तो क्लियर होगी जहां जहां इमेज बड़ी देखनी है वहां कौन सा मिरर यूज होगा, कनकेव। चलिए फिलहाल हम इनके यूजेस को एक एक करके समझते हैं जिससे आपका और इंटरेस्ट बने। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो होते हैं। हम कनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर का फर्स्ट यूज है टू मेक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप। ये बच्चों टेलीस्कोप है, टेली का मतलब होता है दूर, स्कोप का मतलब देखना, दूर देखने वाली जो जो डिवाइस बनती है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड दूर देखने वाले इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं उनके अंदर कनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो डेंटिस्ट एंड ईएनटी सर्जन होते हैं, ईएनटी मतलब यहां से ईयर नोज एंड थ्रोट, जो डॉक्टर होते हैं जो हमारे ईयर से कान से नाक से और थ्रोट से जो डील करते हैं उसको बोलते हैं ईएनटी सर्जन। डेंटिस्ट अपने को सबको पता है बच्चों, जहां पे हम अपने टीथ वगैरह चेक करते हैं कराते हैं, तो हमको पता चला ये दोनों क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। आपने कभी नोटिस किया होगा इस तरह से एक जो डिवाइस होती है ये डेंटिस्ट के हाथों में आपने देखी होगी। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो टीथ के डिफेक्ट है, टीथ वैसे छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन इसके अंदर बड़ा टीथ दिखता है, अंदर कोई भी छोटा सा अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो अपने को इजिली दिख जाएगा। इस तरह बच्चों इस इमेज में देखो यहां पर क्या है, ईएनटी सर्जन है वो क्या कर रहे हैं, किसी के थ्रोट की चेकिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया जो डेंटिस्ट और सर्जन होते हैं ताकि बड़ी इमेज दिखाई दे, इसलिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर। फिर बच्चों आता है हमारे पास कनकेव मिरर शेविंग पर्पस के लिए या कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए यूज होता है क्योंकि इसमें एनलार्ज इमेज फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो कनकेव मिरर होता है उसका यूज होता है ऑप्थैल्मोस्कोप में। ऑप्थैल्मोस्कोप क्या होता है बच्चों, जो आईज के लिए यूज होता है। कभी आपने देखा होगा आपने कभी आईज टेस्ट कराने को, तो इस तरह से एक डिवाइस है जो डॉक्टर होता है अपने आपकी आंख के पास बिल्कुल आपकी आंख के पास लेके आते हैं, आपकी आईज के पास लेके आते हैं, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, जो कनकेव मिरर यूज होता है वो कंसंट्रेट कर सकता है सोलर रेडिएशन को सोलर कुकर या अदर हीटिंग डिवाइस पे। इस तरह से देखो बच्चों ये कर्व सी बनी होती है, जब भी लाइट आती है इस कर्व के ऊपर तो सारी लाइट यहां पर इकट्ठी कर सकता है। जैसे कि मैं यहां फिगर से समझाता हूं, ये जब भी लाइट इस पे आती है तो ये फोकस पे सारी लाइट को इकट्ठा कर देता है इस तरह से। और तो और बच्चों जरूरी नहीं कि इसका यूज ओनली सोलर कुकर के लिए होता है, इसका यूज और भी हो सकता है जो आप डिश टीवी में देखते हो। डिश टीवी में अक्सर आप ऐसी प्लेट देखते होगे, वो प्लेट भी यही होती है बच्चों। उसमें क्या होता है इस तरह से जो डिश लगी होती है ऊपर, तो उसके साथ क्या होता है यहां पर एक रिसीवर होता है, इसको हम छत के ऊपर इसको लगा देते हैं, ये एक छतरी सा अम्ब्रेला सा दिखता है, इसको लगाते हैं प्लेट या डिश दिखती है। इससे क्या होता है जो भी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है वो यहां आ जाती है, मतलब जो भी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यहां तक पहुंच जाती है। तो हम क्या देखते हैं जो कनकेव मिरर होता है वो कहीं पे किसी भी वेव को कंसंट्रेट करता है, जैसे कि सोलर रेडिएशन है। तो यहां पर क्या है, यहां देखो यहां खाना पक रहा है, ये यहां पर जो है इसको कर्ल करके रखा हुआ है, जैसे सन की लाइट इसके ऊपर जाएगी तो सारी लाइट वो यहां पर इकट्ठी कर देगा। तो अपने को समझ आ गया बच्चों जो कनकेव मिरर है वो कहां यूज होते हैं, डिश टीवी में या फिर सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना, किसके लिए, सोलर कुकर के लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट यूज देखते हैं, कनकेव मिरर का यूज होता है टॉर्चेस में। तो देखो ये टॉर्च है, ये टॉर्च इस तरह से अंदर से देखो इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये केस बन जाता है। ये केस आपने देखा था फोकस पे, जब भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो फोकस पे आने वाली सारी लाइट कहां जाती है, इन्फिनिटी पे। आपने स्कूटर बाइक या और कोई ऑटोमोबाइल्स है जैसे गाड़ियों की जो लाइट होती है, यहां देखो ये गाड़ी की लाइट दिखाइए, ये टॉर्च है। तो टॉर्चेस के अंदर और हेडलाइट्स के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल है वो किस कौन से मिरर की हेल्प से बनाई जाती है, वो कनकेव मिरर की। ऐसा इसलिए जो लाइट है वो कहां जा सके, इन्फिनिटी तक। आपको रीजन भी पता होना चाहिए क्यों यूज होता है कनकेव मिरर टॉर्चेस के अंदर या जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, क्योंकि जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाए। बच्चों इस तरह से हम स्पेशली सेट करते हैं, जब भी देखो मान लो कि अगर मैं आपको कहूं कि इस तरह से मैंने देखो ये बना दिया एक स्कूटर सा बना दिया, स्कूटर का हेडलाइट सी बना दी। अब बच्चों स्कूटर की हेडलाइट में क्या होता है, यहां पर बल्ब रखा होता है जो कि फोकस पे होता है, फोकस से जब भी लाइट जाती है वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि जब भी हेडलाइट्स हो या टॉर्चेस हो उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, हम कनकेव मिरर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब आता है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज ही छोटी इमेज बनती है, इसलिए इसका यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के अंदर। रियर का मतलब पीछे वाला, पीछे देखना, व्यू मतलब देखना। तो गाड़ियों में देखो बच्चों जैसे कि ये गाड़ी का साइड व्यू मिरर है, इसमें क्या होता है पीछे का हम देख सकते हैं, इसमें क्या है जो ट्रक है वो देखो छोटा सा बन के दिख रहा है इसके अंदर, हालांकि ये मिरर छोटा है।
इस मिरर के अंदर भी ट्रक आ गया, मतलब इसने ऑब्जेक्ट को साइज क्या कर दिया, कम कर दिया। अपने को पता है कन्वेक्स मिरर की एक तो स्पेशलिटी है, ये ऑब्जेक्ट को एक तो सीधा रखता है और दूसरा क्या रखता है, ये छोटा साइज करता है। अगर बच्चों इसकी जगह हम कनकेव मिरर यूज कर लेते हैं, मान के चलो कनकेव मिरर यूज करते हैं ना, तो कनकेव मिरर में आपने 6-7 इमेजेस देखी होगी, कि कभी 6 इमेजेस देखी है, कभी तो इमेज छोटी बनती है, कभी बड़ी, कभी इन्वर्टेड। मान लो कि बच्चों हमने यहाँ पे कनकेव मिरर लगा दिया साइड में, और अगर ट्रक ही उल्टा दिखाई देने लग गया या ट्रक बहुत बड़ा दिखाई दिया तो वो गलत हो जाएगा। और मान लो कन्वेक्स मिरर की और कनकेव की बजाय हमने प्लेन लगा दिया, प्लेन मिरर बच्चों उतना ही देखता है जितना उसके आगे चीर होती है, तो वो पार्ट पूरा ये ट्रक ना दिखाई देता। तो हमने देखा गाड़ी के साइड में अपने को पूरा ट्रक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। आई होप सो बच्चों ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि रियर व्यू जो मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े इजी डेज मॉल्स के अंदर जाते हो, वहां पे क्या होता है, इस तरह से एक मिरर लगा होता है। अब ये मिरर में खड़े हैं, ये मिरर क्या करता है बच्चों, अपने को दिखा देता है कि पीछे हमारे कौन कौन खड़ा है। ये देखो ये मिरर है, इसमें पीछे पूरी लाइन दिखाई देती है। कभी आप कभी गए हो बिग बाजार वगैरह में, तो वहां देखना होगा जो पूरी जो रो के एंड के ऊपर एक मिरर लगा होता है, उस मिरर में देख के पता चल जाता है कि पीछे कितने बंदे हैं। इससे क्या होता है, जो मिरर के जो वहां पे केयर टेकर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर के केयर टेकर होते हैं, वो विजिलेंस कर पाते हैं। विजिलेंस का मतलब वहां पे देख पाते हैं, रखवाली कर पाते हैं दूर से। मिरर के अंदर ही क्या होता है बच्चों, मिरर के अंदर हर चीज छोटी छोटी दिखाई देने लग जाती है और इससे वो दूर तक देख पाते हैं। इसीलिए जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो विजिलेंस के लिए किसका यूज करते हैं, कि छोटा सा मिरर लगा देते हैं, उसमें सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि इसमें साइज छोटा होकर दिखाई देता है ना, तो ज्यादा चीजें फिट हो सकती हैं। तो अपने को समझ आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर विजिलेंस के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, हमारे पास कनकेव मिरर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, फिर आता है कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। मैं गलती से कनकेव बोल गया था, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रोड सेफ्टी मिरर। बच्चों आपने कभी नोट किया होगा जो रोड्स होते हैं उसके कॉर्नर पे इस तरह से मिरर लगे होते हैं, ताकि जो गाड़ी जो आ रही है सीधे से वो पहले इस मिरर में देख ले कि साइड वाली गली से, ऐसे समझ के चलो जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अभी क्या कि सामने से गाड़ी आ रही है, वहां से भी आने का रास्ता है, तो यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, ताकि ये जो गाड़ी है जो यहां से आगे की तरफ जा रही थी ये देख ले उस लाइन से तो कोई नहीं आ रहा। तो ये जो होता है ये कहां लगाया जाता है, रोड के कॉर्नर के ऊपर, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं रोड सेफ्टी मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कहां यूज होते हैं, रोड सेफ्टी मिरर में। इसका एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये जो मिरर होते हैं बच्चों ये यूज होते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर भी। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, अगर ट्रेन बहुत दूर है और तो हमने देखना हो कि ट्रेन कितनी कैसी आ रही है या नहीं आ रही है, कौन से ट्रैक के ऊपर आ रही है, तो हम एक मिरर लगा देते हैं, वो मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। उसमें दूर से आपकी ट्रेन भी दिखाई देती है, छोटी सी ट्रेन होती है, उससे आइडिया लग जाता है कि किस ट्रैक पे कैसी ट्रेन आ रही है या कितने पैसेंजर हमारे से पीछे वहां कितनी दूर तक खड़े। तो दूर तक के पैसेंजर देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पैसेंजर दिखाई देते हैं और दूर तक हम देख सकते हैं। तो हमारे पास कभी भी आ जाए रोड सेफ्टी या रेलवे स्टेशन पे या डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक था।